एक कदम गांव की ओर, आपके अपने पंचायत से लाइव रिपोर्ट, डेली न्यूज झारखंड पर। डेली न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम, झारखंडी जुहार। चुनावी मौसम और इस मौसम में तमाम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के ताल ठोकते हुए चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं चिनिया प्रखंड अंतर्गत बिलेती खैर गांव में, जहां पे बहुत सारे प्रत्याशी अपनी जनसंपर्क अभियान को लेकर के आते रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों के अंदर क्या है बात, आखिर जो दिल के अंदर है बात वो कब आएगी लबों पर और अब वो कब खोलेंगे अपने मन की बात? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि किए हैं कुछ विकास कि सिर्फ और सिर्फ कर रहे थे टाइम पास? इन्हीं सब सवालों के लेकर हम आए हैं रेती खैर गांव में, जहाँ हमें कुछ लोग मिले खेलते हुए। ये बर का पेड़ और पेड़ के नीचे लोग खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ सवाल जवाब हो जाए, इसलिए कि पहले चरण की होने वाली है यहाँ मतदान, और मतदान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये जनता की दिल की बात हम सुनेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? संभव पासवान। क्या करिएगा इस बार चुनाव में? क्या करेंगे, वोट देंगे। यानी पिछले जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को बरकरार रखा जाएगा या फिर? नहीं, वो उसका तो अभी कोई डिसीजन नहीं है, अब मर्जी के ऊपर है। मर्जी के ऊपर, हाँ, जो अच्छा होंगे मुखिया लायक। अच्छा, इस पंचायत में कितना विकास हुआ है? पंचायत में विकास अब तो हम नहीं उतना बता सकेंगे, हम ब्लॉक ब्लॉक नहीं जाते आते हैं, हम नहीं बता सकेंगे। इस बार क्या होगा ये कुछ युवा वर्ग के लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश पासवान। क्या होगा इस बार चुनाव में? बार चुनाव में सोचे हैं बदलाव करने के लिए हम लोग युवा का अपना। क्यों बदलाव करना चाहते हैं? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग के कोई ऐसा अभी तक वो बदलाव नहीं हुआ है, इसी के वजह से बदलाव में हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि यानी किस तरह का बदलाव जानना चाहते हैं कि बदलाव आप कैसा चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि हम लोग जो बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे उन लोगों की यहीं पे रोजगार मिल जाए, तो कहीं जाने से और वो इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के अंदर कौन सा ऐसा रोजगार है जिसमें कि आप अपनी रोजी रोटी तलाश कर सकते हैं? बहुत सा ऐसा है रोजी रोटी, जैसे हो गया मनरेगा का हो गया अपना, बहुत सा ऐसा है। लेबर कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। आज तक मतलब मिला नहीं है लेकिन बना हुआ है। ठीक बात है, बना हुआ है लेकिन मिला नहीं है। कुछ युवा वर्ग, क्या नाम है आपका? हरिया कार्ड चाहते। क्या करेंगे इस बार चुनाव में? कुछ बदलाव लाना चाहते। बदलाव लाना चाहते हैं, कैसा बदलाव? बोलिए जी, बुझा रहा। नया मुखिया चाहिए आपको, बदलाव करना चाहते हैं, क्या चाहिए इस बार? इस बार हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो के। जो सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पासवान है। घर कहाँ है? घर ग्राम बिलेती का। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 10 क्लास में। क्या चाहते हैं इस पर? इस बार चाहते हैं कि कुछ नया हो के, कुछ नया जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग कुछ चेंजेस चाहते हैं, नया मुखिया लाना चाहते हैं। नया मुखिया की मांग लगातार उठ रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? थरसर लेके जाए हर एक काम। क्या कहें, बदलाव हम लोग भी सोच रहे हैं कि बदलाव होता तो ठीक है, हम लोग राजमिस्त्री हैं, हम लोग के काम नहीं मिल रहा है, माटी को घूमते फिरते रहते हैं, कहीं पे भी काम नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग के कोई ऐसा रोजगार भी नहीं है कि हम माटी कोड़ के भी खा सकते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं हम लोग के टाइम पे काम भी नहीं। कितना मजदूरी मिलता है हम लोग को? 400 रुपये मिलता है। कितने परिवार होते हैं आप लोग? 5 परिवार होते हैं। 400 रुपये 5 परिवार। जी सर, गुजारा चल जाता है? ना ही सर, कहाँ से गुजरा चल रहा है, महंगाई देख ही रहे हैं कि 100 रुपये 200 रुपये तेल हो गया, 100 रुपये दाल हो गया, 110 रुपये दाल हो गया, 20 रुपये हाँ। चावल है, बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, सोच तो रहे हैं कि बदलाव हो जाता तो ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात कि बदलाव चाह रहे हैं, कुछ नए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ है? क्या होगा इस बार चुनाव में? हम लोग चाह रहे हैं सर कि नया मुखिया बने, नया फंड फिक्स आवे, हम लोग बेरोजगारी आदमी हैं, रोजी रोटी हम लोग को मिले। पुराने मुखिया कुछ नहीं किए क्या? नहीं किए। अच्छा, नहीं ढंग से काम किए हम लोग, हम
हमारा पंचायत हम लोग को बिलेटी घर में नए चाहे चाहे नहीं किए कुछ नहीं किए, इसलिए हम लोग नया मुखिया चुनने के लिए नौजवान साथी मुखिया हम लोग। अगर मुखिया कुछ नहीं कर रहे थे तो इसकी शिकायत जिले के अधिकारियों तक आपकी पहुंची? जी हम लोग उतना कहाँ पहुँचा पाएंगे, कहाँ से लाने वाला गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। हमारी भी अपील आम जनता से कि लोग पढ़े लिखे लोगों को ही चुने, इसलिए कि जो अपने से दरखास्त लिख सके, अधिकारी से सीधा जाकर के संपर्क कर सके, बातचीत कर सके। अगर पंचायती की बात आई, अगर छोटी सी बात विवाद अगर गांव घर में, तो लोगों को बैठा करके समझा सके, बुझा सके और दोनों पक्ष को खुश रह सके, ऐसे नेतृत्व पंचायत प्रतिनिधि करेंगे तब जा कर के गाँव का विकास संभव होगा। आइए कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? रामवृत सिंह। बताइए क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? देखिए इस बार पंचायत चुनाव पंचायत समिति में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं बिलोटी घर पंचायत से, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी युवा लोग बेरोजगार हैं वो हमारे तहत या जो भी है पंचायती राज के तहत उसको काम मिले। बहुत सारा युवा लोग का होता है का है कि जो गार्जियन लोग BDC बनते हैं, ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ लोग मुखिया बनते हैं, उस हिसाब से जो है नौजवान लोग हैं उससे सही सलामत से बात नहीं करने पाते हैं और नौजवान को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। इसके वजह से हमारे साथ दिल्ली जितना भी नौजवान लोग हैं सब हमको सपोर्ट किए हैं और हमको अब की बार में जो है BDC प्रत्याशी के लिए। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम तो इंटर पास हैं, BA सेकेंड ईयर है। BDC का फुल फॉर्म बता दीजिए। देखिए BDC का जो फुल फॉर्म होता है, बी से हो गया विकास। देखिए BDC का जो फुल फॉर्म होता है, बी से हो गया विकास और बी से तो सब फुल फॉर्म मालूम नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन ये BDC के उम्मीदवार हैं और अपनी बात रख रहे थे। कैसे विकास हो इस पंचायत का, कैसे लोगों को एक सूत्र में पिरोया जाए, कैसे शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसकी कल्पना कर रहे थे। कैमरामैन रितेश कुमार के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, दिल्ली न्यूज़ 4।